नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी में इनोवेटिव अप्रोच फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अंडर चेंजिंग क्लाइमेट ना विषय पर बे दिवसीय सेमिनार नो प्रारंभ करायो हतो। ग्लोबल वोर्मिंग और क्लाइमेट चेन्ज पड़कारों समग्र विश्व झजूमी रहा है। ग्लोबल वोर्मिंग की सीधी असर खेती पर जवा रही है तरह डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कृषि महाविद्यालय नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी नवसारी और इंडियन सोसायटी फॉर प्लांट फिजियोलॉजी और नव दिल्ली संयुक्त उपक्रमें इनोवेटिव एप्रोच फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अंडर चेंजिंग क्लाइमेट जेवा विषय पर बे दिवसीय सेमिनार नो शुभारंभ नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी कुलपति डॉक्टर जेड एन पटेल प्रागट्य करीने करावे हतो। आ सेमिनार में देश माथी आवेला 200 जेटला वैज्ञानिकोए बदलाता वातावरण सामे टकीने गुणवत्ता युक्त खेत पैदाश कई रीते तैयार करी शकाय अने विषम परिस्थिति में जे पाक पोतानी जातने तेमां ठाळी शके तेवुं संशोधन करवानी दिशामां मनोमंथन करशे। आज नवसारी कृषि विश्वविद्यालय में क्लाइमेट चेंज के बारे में वेस्ट जोन सेमिनार हो रहा है। ये इंडियन सोसाइटी फॉर प्लांट फिजियोलॉजी इसके जरिए नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर ये हम सेमिनार आज कर रहे हैं। तो इस सेमिनार में कई विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। इस सेमिनार में 150 से अधिक विज्ञानीगण सारे देश से आए हुए हैं और ये एक्सपर्ट्स भी कई विश्वविद्यालयों से कई इंस्टीट्यूट से नेशनल इंस्टीट्यूट से हम बुलाए हैं और इस ऐसा सेमिनार से हमारे किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आपको सबको पता है ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कई सालों से हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। ये क्लाइमेट चेंज असली में हो रहा है। जब बारिश आना चाहिए बारिश नहीं आ रहा है, जब बारिश नहीं आना चाहिए उस वक्त बारिश आ रहा है। इससे फसलों के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। तो इस सेमिनार में ये कैसे इसको क्लाइमेट चेंज को हम निभा सकते हैं और क्लाइमेट चेंज के साथ साथ हम कैसे पौधों का यू नो संरक्षण करेंगे और उसका यू नो डेवलपमेंट करेंगे और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे तापमान ज़्यादा बढ़ रहा है, ये तापमान ज़्यादा बढ़ने से कैसे वैरायटीज़ कैसे क्रॉप्स हमें ग्रो करना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा होगा। उसमें ये वातावरण में इंगालामला जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एक बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जो एटमॉस्फेयर में है वो उसको ऐसे पकड़ के वो भूमि में रख सकते हैं। आपको सबको पता है ये जो भूमि का जो क्षार भूमि है और उसका सॉइल हेल्थ बहुत ख़राब हो गया। इसलिए हम रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में इस सेमिनार में चर्चा होगा। और हमारे किसान बहुत होशियार किसान हैं और इन थोड़ा सा भी हम बोलेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि वो खेती करते आ रहे हैं सालों साल, हजारों साल के खेती करते आ रहे हैं। इस ऐसे चीज़ों पे जो नए तकनीकी जो यहाँ पे डिस्कस होगा वो हमारे किसान लागू करेंगे। जी नमस्कार, आजे नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी खाते इंडियन सोसाइटी फॉर प्लांट फिजियोलॉजी अने અત્રેના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ પ્લાન્ટ ફિઝિયોલોજી એનએમ કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર નવસારીના સંયુક્ત ઉપક્રમે જે વાતાવરણની અંદર ફેરફારો આવી રહ્યા છે અને એ વાતાવરણના ફેરફારને લીધે આપણું જે પાકો જે છે એ પાકો પર શું અસર થાય છે અને આવનારા દિવસોમાં એની શું અસર થશે અને એને માટે શું પગલાં ભરવા જોઈએ તે માટે આ સોસાયટીના સંયુક્ત ઉપક્રમે અમે એક સેમિનાર બે દિવસનો રાખ્યો છે। आ सेमिनार में देशभरमांथी 200 जेटला वैज्ञानिकों आव्या छे अने मारी साथे मथुरा स्थित संस्कृत यूनिवर्सिटीना कुलपति महोदय पण आव्या छे, डॉक्टर शेट्टी साहेब, आ खजांची छे डॉक्टर मदनपालजी। आ बे दिवस आ विषय पर खूब गहन चर्चा करवामां आवशे, वैज्ञानिकों चर्चा करशे अने केवा पगला भरवा जोईए, आवनारा दिवसोमां कया पाक पर अने उत्पादन पर असर थई शके छे तेना उपर संशोधन करवामां आवशे अने चर्चा करवामां आवशे। मने चोक्कस खात्री छे खेडूतोने आ अंगे जे कंई माहिती मळशे ए रीते एवो खेती आगळ वधारशे तो एमनुं उत्पादन जाळवी